अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अभी पेट्रोल पंप में मस्जिद में सोया था, बहुत अच्छा नींद आया था क्योंकि एक ठंडे क्लाइमेट फुल कवर करके अच्छे से नींद करके। अभी थोड़ा मौसम थोड़ा अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा क्योंकि ये सन वगैरह नहीं है, छोटा सा एक दिख रहा है उतना ही है, बट थोड़ा चलने का भी आसान हो रहा है। अभी टाइम इधर का 12 बजे हो गया, 11-12 बजे, बट गर्मी नहीं है, इतना मौसम अच्छा है क्योंकि ठंड का भी क्लाइमेट अभी और इसका आगे आगे ना, इसका भी अच्छा क्लाइमेट रहता है दोपहर का टाइम। ऐसे अभी नॉर्मली दोपहर को चल सकता है, सुबह का 6 बजे की दिशा है। इंशाल्लाह अभी साद रूट में जा रहा है, साद से फिर रियाज, इंशाल्लाह रियाज लगभग 287 समथिंग थोड़ा किलोमीटर है, 283 समथिंग किलोमीटर है, और 5 दिन में पहुँचने वाला हूँ इंशाल्लाह। रूट में बहुत गाड़ी वगैरह है, फिर वहाँ से इंशाल्लाह मदीना जाना वाला है। अगर मक्का को जाना तो वहाँ से 600 किलोमीटर डायरेक्ट मक्का के लिए, बट मैं मक्का को जाने वाला नहीं हूँ, मदीना जाको फिर मक्का जाने वाला, इसलिए फिर ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाको फिर नीचे आना पड़ेगा मक्का के लिए। अगर डायरेक्ट मक्का जाना तो सीधा नीचे से एक रूट डायरेक्ट रूट है मक्का, इसलिए मदीना जाको एक थोड़े दिन रेस्ट लो को, 5 दिन रेस्ट लो को, फिर वहाँ से मक्का में जाने वाला। मदीना में ज़्यादा दिन नहीं थोड़े फिर, क्योंकि रमज़ान का टाइम उधर ही रुकने वाला हूँ इंशाल्लाह। रमज़ान का पूरा 15-15 मक्का 15 मदीना 15 डिवाइड करके उसे करने वाला इंशाल्लाह। और ऐसा इतना लक मेरे को कभी भी नहीं मिल जाएगा, क्योंकि 5 महीना मैं रेस्ट में रहता इधर, 5 महीने में नबी का फैमिली का, नबी का सहाबी लोग का, सबका मकबरा ज़ियारत, और तो उनका लाइफ स्टोरी, पहले का स्टोरी सुन के एक अच्छे से मौलाना को सभी लेके जाकर उसका स्टोरी उधर पूरा घूमने को होता है इंशाल्लाह। 5 महीने तक मेरे बहुत टाइम है। और सेकंड कुतुबा हुआ था, वो प्लेस अलोफूफ में है, मैं रुका था ना वहाँ पर ही है, बट मेरे को जाने का नहीं, वहाँ से 17 किलोमीटर था, उसको जैसे अभी फिर टाइम बहुत फ्री है ना, मेरा टारगेट मक्का तक है, मक्का पहुँचने के बाद मैं इधर पूरा घूमने वाला हूँ, पूरा घूम को अच्छे अच्छे प्लेस पूरा देखो इंशाल्लाह। आप लोग भी मैं दिखा देगा इस्लाम का बारे में क्या 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 किया है, इस्लाम के लिए कितना दिन के लिए कितना परेशान लिया है, नबी नबी का सहाबी सब लोग का बारे में इंशाल्लाह। मेरे को मैं नहीं बोलूँगा, मेरे साथ रहने वाला कौन के मौलान लोग रहता है, उसको पकड़ को लेके जाता हूँ, मैं आपको बता दूँगा इंशाल्लाह। फिर भी मैं एक लक्कर को सोचूंगा, 5 महीना फ्री रहेगा, 5 महीने भी मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से देखने को आता है हर चीज़ इंशाल्लाह। बहुत ये रोड पे बहुत गाड़ी है, लॉरी वगैरह बहुत ज़्यादा है, मरूम पे हूँ मैं अभी, पूरा रेगिस्तान है। ये रोड पे कितना गाड़ी है देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लॉरी है, बहुत गाड़ी है, पूरा रेगिस्तान है। आगे आगे रेगिस्तान बहुत बड़ा से दिख रहा है, क्या अल्लाह। ये रोड में एक लॉरी का ये देखो इतना क्यों से आ रहा है, वहाँ से पीछे से दिख रहा रहेगा आपको, बहुत लॉन्ग से लॉरी आ रहा है, ये रियाज से आ रहा है, इतना लॉरी है देखो, बहुत लॉरी है, बहुत पीछे से बहुत लॉरी है, अभी इस तरफ से जाने के भी बहुत लॉरी है, शायद दमाम को जाने का रहेगा, दमाम भी बहुत बड़ा सिटी है ना। लॉरी वाला भी यूपी वाला है,
यहाँ पर डेसर्ट पे तो ये पूरा डेसर्ट एरिया है। ये हाईवे में तो थोड़ा रेस्ट ले रहा है बाइक को, मेरा बैग इधर रखा है। आज का मौसम बहुत अच्छा, आज मौसम बहुत अच्छा, और एक 15 किलोमीटर चल रहा है। इधर पहली बार देख रहा है ऐसा, बट ये वो शायद ओपन हो रहा है अभी, इधर बिल्डिंग का काम भी चल रहा है। मेरे साथ आने के टाइम है ना बहुत लोग बता रहा था आपको ओमान यूएई के जैसे नहीं है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया बहुत यूपी लोग हैं, इधर हाईएस्ट लॉरी का ड्राइवर यूपी लोग हैं, माशाल्लाह, मीरात, गाजियाबाद, बस बहुत लोग हैं, बहुत लोग मिल चुके हैं माशाल्लाह, बहुत खुशी हो गया, इंडिया वाला मिल चुका है मेरे को, और पाकिस्तान वाले भी बहुत लोग मिल रहे हैं इंशाल्लाह, दुआ करो। और सब लोग बता रहा था बहुत खतरनाक का जैसा है, क्योंकि मरूम एरिया बहुत रहता है इधर ऐसे। आज तो ठंड क्लाइमेट है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, नहीं इधर बहुत धूप रहता था। आपको दिखा देगा, देखो इधर का मरूम कैसा है, बोल कर देख लीजिए, यही है बताया था इन लोग भी। आज भी अंधेरे में रुकना पड़ेगा, वहाँ पर उस तरफ तीन लॉरी रुका है, बट उन लोग को इस तरफ आने का नहीं होता है, क्योंकि इधर मिडल में ये रहता है, इसको जैसे वो अभी जा रहा है पापा, मेरे को भी उस तरफ जाने का नहीं होता, उसको भी इस तरफ आने का नहीं होता, उधर से आदि का कौन गया। अंधेरा हो रहा है, आज भी रात इधर ही हो जाएगा, आज का रात भी मरूम में ही आज का रात, इंशाल्लाह दुआ करो, इंशाल्लाह दुआ करो। और एक 10 किलोमीटर तक है इंशाल्लाह, 8 घंटे पहुँचेगा, बट इधर 5 घंटे का अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा ना उसका, जैसे अभी अंधेरा हो रहा है पूरा देख इस तरह, बट गाड़ी बहुत गाड़ी है, बहुत गाड़ी है, मैं इतना गाड़ी का ये लॉरी वाला सभी है ना, इंडिया वाला भी, पाकिस्तान वाले भी सभी है, बट उन लोग को रुकने का नहीं होता है। ये रोड भी इतना दुबई जैसे इतना बड़ा भी नहीं है, इधर दुबई में तो सर्विस रोड ही है, बहुत बड़ा था सर्विस रोड रहता है, ट्रक पार्किंग एरिया रहता है ऐसे भी है, बट इधर है ना ऐसे नहीं, इधर इसके नीचे आ गया तो ये नीचे पूरा, ये नीचे खाली मट्टी है, इसके अंदर टायर नीचे उतरा तो टायर पूरा ना अंदर जाएगा, इन लोग रुक लेने गया था पापा, थोड़ा लोग रुक रहा था, थोड़ा हम लोग इस तरफ ये एक एक एरिया का डिपेंड रहता है, एक एरिया में ऐसा क्रॉस रहता है रोड, इसकी वजह से भी हाई वेट का हाई लोड लेके जा रहा है इंशाल्लाह। आज थोड़ा चल रहा है और बैग खींच रहा है हाथ में है, आज भी पेट्रोल पंप का मस्जिद में ही सोना पड़ेगा, लोग आगे रुका दिया हमारे वहाँ, अगर आगे शायद रुकने की जगह रहे, थोड़ा थोड़ा जगह मिलता है, थोड़ा थोड़ा जगह नहीं मिलता, जैसे भी क्रॉस है नीचे पूरा नीचे, अगर इन लोग इधर रुकने रुकने के लिए आए तो टायर अंदर जा तो लोहारी पलटे जाएगा। बहुत गाड़ी है, बहुत गाड़ी है, बोल नहीं सकता उतना गाड़ी है, इधर रहेगा गाड़ी देखो गाड़ी जा रहा है। मैं अभी क्यों बैग अभी तक खींचा नहीं था, बैग डाल को ही जा रहा था, बट थोड़ा स्पीड चलना है, नहीं तो 9 बजे 10 बजे हो जाएगा पहुँचने के टाइम, इसलिए थोड़ा जल्दी पहुँचना है, बोल के 8 बजे के अंदर पहुँचना है, बोल को खींच को थोड़ा स्पीड जा रहा है, अगर हमारा बॉडी में वेट कम होगा तो चलने का स्पीड होता है, अगर हमारा बॉडी में वजन ज़्यादा रहा तो चलने का थोड़ा स्लो होता है, फिर भी एक खींचने होते भी हाथ थोड़ा दुखेगा, एक ही साइड ऐसे रखना ना उस पर थोड़ा थोड़ा दुखता है, कोई दिक्कत नहीं इंशाल्लाह, अभी कितना दुखा तो भी वो याद ही नहीं आता है, तो वो मेरा
दिल में दुखता ही नहीं है, क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन करीब करीब बहुत नज़दीक नज़दीक हो रहा है, तो ये बहुत खुशी में हूँ मैं। इस साल और एक महीना का सफ़र है, ओके। अस्सलाम वालेकुम, सब लोग दुआ करो और 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह रियाद पहुँचूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रोड बोला था ना, तो यही से रहता है रोड, ये फुल क्रॉस है, नीचे को पूरा नीचे को है। अभी देखो इधर कार भी रुकने नहीं होता है, उधर देखो आगे रुका दिया कार वाला, कार भी लो पूरा आगे रुका चुका है। एक एक जगह में लेवल रहता है, एक एक जगह में ऐसा नीचे रहता है, तो देखो पूरा नीचे है, इसमें रुका नहीं होता। मेरे को कुछ चलने को नहीं होता है ये रोड पर, मैं ये तो सर्विस रोड में चलने वाला, कार वाला अभी पूरा आगे रुका दिया उधर आगे। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रेगिस्तान में अभी चलने को हूँ, अभी इधर टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, आपको दिखा देगा इधर का टाइम अभी 5:47 हो गया, 5:47। बट यहाँ पर है ना जल्दी अंधेर होता है, रेगिस्तान में पूरा रेगिस्तान है। इंशाल्लाह और एक 8-7 किलोमीटर तक चलना है इंशाल्लाह, 7-8 बजे पहुँचूंगा इंशाल्लाह। बट कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी वगैरह पूरा है, थोड़ा दिक्कत होता है इधर, क्या भी नीचे क्या भी नहीं दिख रहा है, वही अभी लाइट चलाना, चार्ज भी कम हो गया, चार्ज भी नहीं मोबाइल में, अभी तो थोड़ा तकलीफ हो रहा है इंशाल्लाह। और एक थोड़ा चल तो इंशाल्लाह पहुँचूंगा डेस्टिनेशन इंशाल्लाह, दुआ करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।